आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ई रिक्शा चालकों पर की गई कार्रवाई के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने थामे रिक्शा के पहिए। डीआरएम इज्जत नगर के नाम से स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। कासगंज जिले के गंज ढुंडवारा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा ई रिक्शा चालकों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ गंज ढुंडवारा नगर के गांधी पार्क में ई रिक्शा चालकों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। ई रिक्शा चालक और यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार एवं ई रिक्शा चालकों के समर्थन में आए समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने आरपीएफ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। आपको बता दें, ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि आए दिन ई रिक्शा चालकों के साथ आरपीएफ और जीआरपी पुलिस कर्मियों के द्वारा अभद्रता की जाती है और उनका चालान काटा जा रहा है। हाल ही में ई रिक्शा चालकों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि हम ई रिक्शा चालक बेहद गरीब लोग हैं और इसमें से 40% ई रिक्शा ऐसे हैं जो विकलांग हैं और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आए दिन हम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस रेलवे रूट पर बड़े बड़े वाहनों का आवागमन भी होता है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता और हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित एरिया का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। और समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों पर बेवजह कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में ई रिक्शा चालकों ने के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि आरपीएफ पुलिस कर्मियों के विरोध के संबंध में डीआरएम इज्जत नगर के नाम ई रिक्शा चालकों ने रेलवे स्टेशन मास्टर आरपी मीना को एक ज्ञापन भी सौंपा। रेलवे स्टेशन मास्टर आरपी मीना के मुताबिक ई रिक्शा चालकों को प्रतिबंधित एरिया की सीमा की जानकारी दे दी गई है और उसी के अधीन ई रिक्शा चालक उनका पालन करें तो उनका बेवजह चालान नहीं काटा जाएगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आज सब लोग यहाँ ई रिक्शा वाले क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या है मामला? ये रेलवे वाले इन्हें बेकसूर पकड़ लेते हैं, अपनी हद बता देंगे, वहां तक हमारी ये ट्रेन नहीं जाएंगी, जो अपना टूल गाड़ दें वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये विकलांग है, अपने कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्या करें? कौन सी जगह का मामला है ये? रेलवे स्टेशन गंडूरबारा। तो अब आप कहीं अधिकारियों से आपने कहीं शिकायत की है? नहीं, अभी नहीं करी शिकायत। तो अब आप कोई शिकायत करेंगे, ज्ञापन वगैरह कोई देंगे? हाँ, ज्ञापन देंगे। किन को देंगे? रेलवे मास्टर को। और आपकी मांगे नहीं मानी उन्होंने? तो नहीं मानी तो क्या करें? तो अपनी हद अपनी वो टूल गाड़ दे, बाद में हमारी ट्रेन नहीं जाएगी। कोई पोल गाड़ दे, ऐसा पोल गाड़ दे अपने, ऐसा कोई बोर्ड लगा दे, बोर्ड लगा दे अपने रेलवे 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 पुलिस द्वारा रेलवे के जो है कि ये कार्रवाई की गई। रेलवे जी जीआरपी वाले, हाँ जीआरपी वालों ने क्या क्या कार्रवाई की है? चालान किए हैं आरपीएफ। इतने लोगों के चालान हुए हैं? ये है 26। अच्छा, ये पहले भी हो चुके हैं या फिर अभी भी हुआ? उससे पहले हो गए, पहले भी हुए 40 ट्रेन पहले गए। यूपी न्यूज 9 के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।